हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिटल स्कल। क्या नाम है? फिटल स्कल। क्या माँ के यूट्रस में जो बच्चा होता है क्या उसका स्कल होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या उसके स्कल का डायमीटर का हमें पता होना चाहिए? बिकॉज हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए कि डायमीटर नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। अगर डायमीटर फिटल स्कल का डायमीटर अगर नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा क्योंकि स्कल बड़ा है। मैं बोलूं कि जब माँ के यूट्रस में फिटस का स्कल होता है और डिलीवरी होती है तो क्या स्कल में कोई चेंजेज आते हैं? आते हैं साहब, स्कल में चेंजेज आते हैं क्योंकि आपने एक नाम पढ़ा होगा फोंटाले। क्या नाम पढ़ा होगा? फोंटाले। एक इधर फोंटाले, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर होता है, इनमें बीच में जगह होती है। क्या होती है? फोंटाले का मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो दो बोन के मध्य जो गैप होता है उसे को अपन क्या बोलते हैं? फोंटाले बोलते हैं। तो अगर गैप है तो क्या कोई प्रेशर लगेगा तो वो क्या आपस में क्लोज हो जाएगा और आपस में फिटल स्कल का क्लोज कंडीशन में आना मॉड्यूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलिंग। समझ में आया क्या? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज फोंटाले, डेफिनेशन क्या? दो बोन के मध्य जो गैप होता है, जो जगह होती है उसको फोंटाले बोलते हैं। और मैं बोलूं कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपस में जुड़ी हुई हड्डियां होती है, जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर। समझ में आया? फिटल स्कल को जोड़ने, फिटल स्कल की हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? सूचर कहलाती है। फिटल स्कल में दो हड्डियों के बीच में या दो से अधिक हड्डियों के बीच में स्थान को क्या कहते हैं? फोंटाले। गैप बोलूं या स्थान बोलूं, बात सेम ही है ना बच्चे? ओके, अगली मैं बात करूंगी फोंटाले, मैं बोलूं हाँ फोंटाले कितने? एंटीरियर पोस्टीरियर, वैसे छह होते हैं, मेस्टोइड होते हैं टेम्पोरल, वो मैं बोलूंगी विजिबल नहीं होते इतने जितने इंपॉर्टेंट एंटीरियर पोस्टीरियर दो ही हैं। क्या मेरी बात सुनाई? सो अपन बात करते हैं। हाँ, मैं बोलूंगी अगर वो माँ की बच्चे की डिलीवरी होती है मैटरनल पेल्विस है, इसका मतलब क्या होगा? बच्चे का स्कल है वो क्या होगा? क्लोज होएगा। और क्लोज क्यों हो रहा है? क्योंकि हड्डियों के बीच में जगह पड़ी है। और फिटल स्कल का क्लोज होना, स्ट्रक्चर का मैं बोलूं फोल्ड होना, थोड़ा सा कॉन्ट्रक्शन होना मॉड्यूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलिंग। हम बात करेंगे फिर डेफिनेटली, है ना? चलो ओके ओके, इधर देखो आप एक फिटल स्कल देखना पूरा। ओके तो देखो हमारे सामने ये फिटल स्कल है। क्या है बेटा? ये एरिया ऑफ फिटल स्कल है। सुनो पहले समझते हैं इसको आसानी से। ओके, दिख रहा है फोटो आपको? चलो इधर देखो, तो हमने देखो कुछ बातें बोली है। तो हमें इसके डायमीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि फिटस का डायमीटर कैसा, फिटल स्कल का डायमीटर कैसा है, और हम चाहते हैं कि इसकी डिलीवरी कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल डिलीवरी को अपन क्या बोलते हैं? यूटोशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आएगा एग्जाम में डेफिनेटली, मैं लिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। बट नॉर्मल डिलीवरी को अपन बोलेंगे यूटोशिया। क्या बोलेंगे? यूटोशिया। और डिस्टोशिया का मतलब अबनॉर्मल डिलीवरी। अगर बताओ फिटल स्कल नॉर्मल नहीं होगा तो कौन सी डिलीवरी होगी? डिस्टोशिया होगी। यही तो बोल रहा हूँ कि नॉर्मल नहीं होगी तो, और नॉर्मल नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा? डिलीवरी हो नहीं पाएगी, फिटल स्कल बाहर नहीं आ पाएगा, यानी मेटल पेल्विस से बड़ा है तो कैसे आएगा? तो डिस्टोशिया प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना। बाकी और भी कारण होते हैं वो अलग बात है। और मैं बोलूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल है और नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यूटोशिया, नॉर्मल डिलीवरी, अपने आप ही डिलीवरी। समझ में आया? चलो तो इसका मतलब देखो कि ये मैं बोलूँ कि हमारे फिटल स्कल का एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये टेम्पोरल है, क्या है? और ये इधर मैं बोलूं तो इसको मैं बोलता हूँ साहब पेराइटल बोन। क्या बोलता हूँ? अच्छा मैं बोलूं अपने स्कल के अंदर बोन कितनी होती है? हाँ वैसे 14 होती है, बट मैं स्कल की बात करूँ इधर तो 8 होती है ना। तो बात करते हैं, देखो तो सबसे पहले देखो इसमें कुछ पार्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसको मैं बोलूंगा साहब क्या बोलूंगा? सिंसिपुड बोलूंगा, या मैं इसको ब्रो बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ब्रो। मेरी बात सुनना, सिंसिपुड तो इम्पोर्टेंट नहीं इतना जितना आप की ग्लेबिला, ये आप जो मैं देख रहा आप नाक के एंडिंग का पोर्शन देख रहे हो इसको ग्लेबिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेबिला। तो आपको ऐसा पूछे कि ब्रो का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप लिखने का कि ग्लेबिला, हाँ ग्लेबिला से एंटीरियर फोंटाले। और आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटाले। क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटाले। एंटीरियर मतलब सामने दिख रहा है ना, इधर खड्डा देखा है सबने बच्चों के? अरे देखा होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात की मैं एंटीरियर फोंटाले को दूसरा नाम बोलता हूँ ब्रेगमा। क्या बोलता हूँ? ब्रेगमा। समझ में आया कि आपको ऐसा पूछे कि एंटीरियर फोंटाले का दूसरा नाम क्या? ब्रेगमा। सबको याद हुआ? ओके इसके बाद जो पोर्शन में बोलता हूँ कि इस पोर्शन को बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या मेरी बात सुनाई? तो वर्टेक्स है वो कहां से कहां तक है?
एंटीरियर फोंटाले से पोस्टीरियर फोंटाले, कि ये अपना जो फोंटाले है इधर से लेकर पीछे का जो फोंटाले उससे मध्य की जो संरचना है उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। बेटा इसका क्वेश्चन आएगा, बताऊं कि मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंट टेंशन होता है बच्चे का क्या होता है, कि एक नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जो हेड आता है तब वो कौन सा भाग हमें पीवी के दौरान फील होता है उसको अपनी वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया क्या, 95% भाग है हमेशा वर्टेक्स पोजीशन मिलेगी आपको। जब भी मैटरनल की डिलीवरी हो रही है तो प्रेजेंटेशन अगर कौन सा है, सिपेली के, मैं बताऊंगा आपको सिपेली का मतलब हेड बार आता है, और हेड में ही मोस्ट कॉमन कौन सा भाग हमें मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा। अरे समझ में आया क्या, तो हमेशा जब पीवी करोगे तो कौन सा भाग मिलेगा, वर्टेक्स भाग। समझ में आया, तो दिमाग में भूलना मत, वर्टेक्स भाग हमारे लिए बहुत मोस्ट कॉमन है। क्या मेरी बात सुनाई, ओके। तो कहां से लेके कहां तक होता है, एंटीरियर फोंटाले से पोस्टीरियर फोंटाले। क्या मेरी बात सुनाई, पोस्टीरियर फोंटाले का दूसरा नाम होता है लेमडा। क्या होता है, लेमडा। क्या मेरी बात समझ आई, ओके। अगली इंपॉर्टेंट बात करूं मैं आपके सामने, तो देखो ये पोस्टीरियर फोंटाले, और पोस्टीरियर फोंटाले के बाद जो यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीपुट। क्या बोलते हो, ये हड्डी का नाम क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है। तो क्या मैं इसको ऑक्सीपुट दे सकता हूं नाम, ऑक्सीपुट का मतलब मैं बोल रहा हूं पोस्टीरियर। क्या बोल रहा हूं, पोस्टीरियर मैं बोल सकता हूं बोन साहब। क्या मेरी बात सही है क्या, अरे बोलो, हमें याद रखना पड़ेगा ये बातें कि ऑक्सीपुट कौन सा है। समझ में आया, ओके। अगला मैं बोलूं साहब कि ये जो पोर्शन देख रहे हो ये इसका मैं बोलूं कि बेस है। क्या है, बेस। और बेस का मतलब कि यहां से लेके यहां तक मैं अगर मैं डायमीटर को क्रॉस करता है, इसका मतलब ये पोर्शन है मुंह है अपना। क्या है, ये मुंह है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा ही पार्ट है। क्या डिलीवरी में इसका कोई परेशानी होएगा, नहीं होएगा। हमें मेजर पोर्शन यही चाहिए कि ये हेड बार आ गया डिलीवरी के दौरान, तो मोर परफेक्ट होएगा। क्या समझ में आया, तो अगर मैं डायमीटर का डील करूंगा तो क्या ये मैं बेस मानूंगा इसको, अरे बोलो। चलो अगला मैं बात करूंगी, देखो कि ग्लेबेला से लेकर मेंटम, ये जो होती है इसको अपन मेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हड्डी कौन सी है, मेंडिबल है। और फेस से ब्रो से लगाकर, या मैं बोलूं ग्लेबा से लगाकर मेंटम तक जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप क्या बोलते हो, फेस बोलते हो। क्या बोलोगे, तो सुनो, अगर डिलीवरी के दौरान पिटस का ग्लेबेला से मेंटम भाग बाहर आता है उसको कौन सा प्रेजेंटेशन बोलोगे, फेस प्रेजेंटेशन। क्योंकि फेस आ रहा तो फेस प्रेजेंटेशन बोलोगे। अगली बात, ग्लेबेला से एंटीरियर फोंटाले के बीच का अगर पोर्शन डिलीवरी के दौरान प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे, ब्रो। सिंसिपुट बोल दो या क्या बोलोगे, ब्रो। आपको ये नाम कम देखने को मिलेगा बट ठीक है, काम आएगा हमारे। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, ब्रो। क्या समझ में आया। अगली बात कि डिलीवरी के दौरान, या मैं बोलूं डिलीवरी के दौरान ठीक है, और मुझे एंटीरियर फोंटाले से पोस्टीरियर फोंटाले के बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर मिलती है तो उसको क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे। अगली बात कि डिलीवरी के दौरान पिटल स्कल का पोस्टीरियर भाग से बेस तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीपुट। क्या ये सभी प्रकार के जो मैंने स्ट्रक्चर बोले हैं वो डिलीवरी के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो क्या ये जानने के लिए हमें इसके डायमीटर भी पता होने चाहिए। समझ में आया, पहली इंपॉर्टेंट बात। क्या आपने पेटल स्कल के जो मेन स्ट्रक्चर है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है आपने जान लिया, सबने जान लिया। चलो बात करें, हम बात करेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। अगली बात इंपॉर्टेंट, ओके, सम ऑफ द अदर वे। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले अपन क्या बात करें, ओके, तो देखो पिटल स्केल के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ओके, और मैं बोलूं कि ये जो पिटल स्केल का जो पूरा पोर्शन है उसको अपन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अरे क्या बोलते हैं, वोल्ट, ओके। ये देखो पोर्शन, ओके, पिटल स्केल का जो फ्लैट बोन है, ये जो आप बोन देख रहे हो ये कैसी लग रही है आपको, समतल लग रही है क्या, अरे समतल ही तो है। अरे समझ में आया क्या, कि ये जो समतल बोन है इस पूरे पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, वोल्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वोल्ट। वोल्ट मींस के मतलब कैसा संरचना बोल सकता हूँ, गोल राउंड साइड। समझ में आया क्या, देखो फोटो देखो वापस, ओके, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना इसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलूंगा, वोल्ट बोलूंगा। क्या समझ में आया, VAULT। पहली बात समझ में आई, लिखो हेडिंग डालो, पिटल स्कल। पुट ऑन द एवरीवन हेडिंग पिटल स्कल। एम आई ऑडिबल क्लियरली, ओके ओके।
ओके लिखा, चलो इसके अंदर लिखो पिटल स्कल, पिटल स्कल, पिटल स्कल, पिटल स्कल फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है, FLAT फ्लोट यानी समतल लिख लेना बेटा, बिल्कुल पिटल स्कल ये नाम लिखना है, पिटल स्कल फ्लैट यानी समतल, समतल बोन से मिलकर बना होता है, समतल बोन से मिलकर बना होता है, फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है, समतल बोन से मिलकर बना होता है, उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को, उस संरचना को वोल्ट कहते हैं, उस संरचना को वोल्ट कहते हैं, उस संरचना को वोल्ट कहते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो क्या लिखा, क्या उस संरचना को क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं, राइट। चलो ओके अगली बात, आप अगला लिखो कि पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, लिखो हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, हाँ पार्ट्स, पार्ट्स पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, ठीक है ओके। इसके अंदर पहला लिखना ब्रो, पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, उसमें आप चाहे ब्रो लिख दो या वर्टेक्स लिख लो, एक ही बात है, वर्टेक्स लिख लो। चलो पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल हेडिंग डाला, मैं डाल देता हूं, हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, पार्ट्स ऑफ पिटल स्कल, कि पिटल स्कल के कौन कौन से भाग हैं। क्या मेरी बात सुनाई, क्या कितने भाग बताए थे? ब्रो बताया था, वर्टेक्स बताया था, ऑक्सीपुड बताया था, फेस बताया था, सबको याद हो गया, पक्का याद हो गया, तो लिखो, हाँ हो गया ना भाई। चलो लिखो, पहला लिखो आप वर्टेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, स्टार मार्क लगा लेना इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये आपको आएगा, ठीक है। अच्छा सबने हेडिंग डाला वर्टेक्स, ओके ओके सबने लिखा, चलो ओके। तो इसका मतलब देखो कि वर्टेक्स मैंने कहां से कहां तक बताया था, अब सुनो एक बार, ये एक लाइन बनाते हैं आपके सामने, वेरी गुड, सुनो ठीक है, देखो सुनो, ये आप देखो कि ये स्ट्रक्चर है हमारी, फोटो है क्या देखता हूं, अच्छा मिल गई, चलो सुनो, देखो इधर देखो पहले, कि इससे पहले जो नाम आएगा उसके बता देता हूं, क्यों सुनो, इंपोर्टेंट बात कि मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं, किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका मतलब पहले हमें वर्टेक्स की पोजीशन को, वैसे तो मैं बोल सकता हूं साहब एंटीरियर फ्रंटाले से पोस्टीरियर फ्रंटाले के मध्य के स्थान को अपन वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सबको समझ में आया इंपॉर्टेंट? अब मैं बोलूंगा कि एंटीरियर फ्रंटाले के साथ में कौन हमारे को ये स्ट्रक्चर चाहिए, क्या चाहिए? कोरोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोरोनल स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हो? फ्रंटल सुचर, क्या बोलते हो? फ्रंटल सुचर। और जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं सजाइटल सुचर, क्या बोलते हैं? सजाइटल सुचर। तो अगर मैं आपको एंटीरियर के बारे में बताऊंगा तो बताओ वर्टेक्स के अंदर, चलो वर्टेक्स लिखता हूं और इसमें मैं लिखूंगा एंटीरियर फ्रंटाले, बोलो बोलो बोलो, और इसमें एक कंडीशन लिखूंगा मैं कोरोनल सुचर, अरे बोलो तो सही, मैं लिखूंगा एंटीरियर फ्रंटाले और कोरोनल सुचर, समझ में आया। अगली बात कि हाँ यहां से लेकर और पोस्टीरियर, क्या लिखूंगा मैं? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फ्रंटाले लिख दूं और इसके साथ में मैं क्या लिख दूं? इस बेटा जो सुचर का नाम है वो क्या है? लैम्बडोइड सुचर नाम है, क्या नाम है? लैम्बडोइड सुचर। तो मैं जब भी मैं बात करूंगा किसके बारे में?
वर्टेक्स के बारे में। तो वर्टेक्स सुचर, वैसे तो मैं एक सुपरफिशियली बोलूं तो एंटीरियर पोर्टाले से पोस्टीरियर पोर्टाले के बीच के स्थान को क्या बोलेगा, वर्टेक्स बोलेगा। समझ में आया? अब और मैं ऐड करूं इसमें तो एंटीरियर पोर्टाले या मैं बोलूं ब्रेग्मा और कोरोनल सुचर से मैं बोलूंगा पोस्टीरियर पोर्टाले और मैं बोलूं लैम्बडल सुचर के बीच के स्थान को क्या बोलूंगा, वर्टेक्स बोलूंगा। अब समझ में आया क्या? सुनो, वापस सुनो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा पोर्शन बेटा सुचर समझ में आएगा है क्या? फिटल स्कल की दो बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर। मेरी बात वापस सुनो, मैं बताऊंगा हर चीज लिखाऊंगा आपको। फिटल स्कल की दो बोन को जोड़ने वाली संरचना को सुचर कहा जाता है। हैव यू अंडरस्टैंड? अगला मैं बोलूं फोंटाले बोल रहा हूं कि फिटल स्कल में जो दो बोन के मध्य जो गैप होता है उसे क्या बोलेगा, फोंटाले बोलेगा। क्या दोनों बातें समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? सुचर क्या है और फोंटाले क्या? दो बोन को जोड़ने वाली संरचना सुचर, दो बोन के मध्य गैप फोंटाले। समझ में आया? तो इसका मतलब मैं फोंटाले सुचर बोलूं कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? बोल दूं? चलो ठीक है, ओके चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाला, क्या डाला था? वर्टेक्स डाला था। क्या डाला था? वर्टेक्स। चलो बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो वर्टेक्स, अच्छा मैं बात करूं कि जो वर्टेक्स होता है वो क्वाड्री एंगुलर होता है। कैसा होता है? क्वाड्री एंगुलर का मतलब क्या होता है? पता नहीं? अब क्वाड्री एंगुलर का मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? ऐसा है साहब लोग, क्वाड्री एंगुलर मतलब क्या है बताओ? राधा, ये त्रिभुजाकार ट्राइंगुलर। तो इसमें इसमें चार एंगल है तो ये क्वाड्री एंगुलर हो गया। और आपने चतुष्फलक के नाम सुना है? अरे सुनो तो सही, हिंदी में क्वाड्री एंगुलर का मतलब क्या होता है? चतुष्फलक के। क्या होता है? चतुष्फलक के। तो बताओ यहां पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या यहां से ये स्ट्रक्चर है क्या चतुष्फलक के है क्या? देख लो भाई, कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको ये त्रिभुजाकार लग रही है? अरे नहीं लग रही है ना। और ये कौन सी है फिर? चतुष्फलक की है। अरे कौन सी? तो आपको ऐसा पूछा जाए कि वर्टेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन सा शेप है, तो क्वाड्री एंगुलर बताना है। क्वाड्री का मतलब, क्वाड का मतलब चार। क्या बोल रहे हैं? चार। और एंगल का मतलब कोण, तो चतुष्फलक के बोलते हैं या चतुष्कोण बोल सकते हैं। समझ में आया ना? क्या आपने क्यू आई डी नाम सुना है? QID, इट्स मीन्स वॉट? आपने अपने जिंदगी में QID नाम सुना है क्या, ये बताओ? BD नाम सुना है? हाँ। OD नाम सुना है? TDS नाम सुना है? तो QID भी नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल अब तो सुना ही होगा। एक टाइम टेबलेट देना OD, दो टाइम देना BD, TDS का मतलब तीन टाइम, QID का मतलब चार टाइम। चार बार हो गए हैं ना, अब समझ में आया? ऐसे याद करना, ओके चलो नेक्स्ट वन। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, तो हम लिखते हैं इसके अंदर, लिखो साहब इसका जो एंगुलर होता है वो कैसा होता है? क्वाड्री एंगुलर। हिंदी में क्या होता है? चतुष्फलक के होता है। पहले सुन लो, लिखने से पहले समझना जरूरी है। जिंदगी में कॉपी किताब तो पड़ी है हमारे घर पे ही, काम ये है समझना। अदर वे में बोलूं कि देखो कि ये एंटीरियर भाग में, क्या बोलूं कि वर्टेक्स का एंटीरियर, तो ये हमारा क्या वर्टेक्स है? बोलो बोलो बोलो, ये हमारा यहां से लेकर यहां तक वर्टेक्स है। तो बताओ एंटीरियर है क्या ये? बिल्कुल। और ये क्या पोस्टीरियर है क्या? तो ये पूछ रहा है साहब, वर्टेक्स है वो कहां से कहां तक है? तो हमें पता चला है, हमें पता है। तो मैं बोल रहा हूँ साहब कि ये वर्टेक्स है, तो पहले तो बोल दो साहब एंटीरियर फोंटाले और कोरोनल सुचर से एंटीरियर वर्टेक्स भाग बना हुआ है। या मैं बोलूं ब्रेग्मा बोल दूं क्या इसको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि इसका जो मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा एंटीरियर भाग है वो ब्रेग्मा और कोरोनल सुचर से बना हुआ होता है। क्या समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अगली बात की पीछे की बात करूं तो लैम्बडा एंड लैम्बडॉइड सुचर है क्या? बिल्कुल है साहब, इसको मैंने नाम दिया था लैम्बडॉइड सुचर और मैंने इसको नाम दिया था लैम्बडॉइड फोंटाले, या मैं बोलूं इसको क्या पोस्टीरियर फोंटाले। अब नाम ही तो दूसरा है, ब्रेग्मा का मतलब एंटीरियर फोंटाले और लैम्बडॉइड को बोलूं तो पोस्टीरियर फोंटाले। समझ में आया क्या? एवरीवन हैव यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? चलो लिखो फिर, लिखो हिंदी में। क्या वर्टेक्स सेटिंग डाली? लिखो, यह है
चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय, अब वो हिंदी नहीं आती मुझे, इधर मत देखना, चतुष्फलकीय आपको लिखना पड़ेगा, है ना, चतुष्फलकीय होती है। और इधर हमारा इंग्लिश में बेटा क्वाड्रीएंगुलर, ये जरूर लिख लेना आप, क्वाड्री जो आपको याद रहेगा, क्वाड्रीएंगुलर। हाँ आ गया सबका, किसने चतुष्फलकीय लिखा, मैं चेक करवाऊं, मनीष जी से। चलो वेरी गुड, धन्य हम, ठीक है, चलो ओके, चतुष्फलकीय आना चाहिए राधा, देखें, चलो फिर ठीक है। तो क्या लिखा, सेब कैसा, चतुष्फलकीय। अगली लाइन में लिखो, वर्टेक्स का एंटीरियर भाग, लिखो लिखो लिखो, वर्टेक्स का एंटीरियर एंटीरियर मतलब आगे, समझ में आया, तो ये आगे है हमारा, ये आगे ही तो है, बिल्कुल। तो क्या लिखा, वर्टेक्स का एंटीरियर भाग, एंटीरियर भाग लिखो, हाँ एंटीरियर भाग ब्रेगमा और कोरोनल सूचर से बना होता है। वर्टेक्स का एंटीरियर भाग ब्रेगमा कोरोनल सूचर से बना होता है। क्या स्प्लिंग दिख रही है आपको, बड़ा लिख देता हूं चाहो तो भाई, ब्रेगमा। अब ब्रेगमा का दूसरा नाम एंटीरियर फोंडाइले, लिख लेना कोष्ठक के अंदर, एंटीरियर फोंडाइले, ओके याद रखना है आपको, ठीक है। आप आ जाओ पीछे बच्चे, टेंशन नहीं लो, कल परसों आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, नौकरी लग जाओगे गारंटी है, ठीक है, दिल पे मत लेना बस, चलो ओके नेक्स्ट वन। क्या आपने लिखा, इंटीरियर भाग वर्टेक्स का इंटीरियर भाग ब्रेगमा और कोरोनल सूचर से बना हुआ होता है, क्या समझ में आया आपको, समझ में आया क्या, चलो वेरी गुड, समझ में आया। तो अगली बात ओके, अगला लिखो पोस्टीरियर, अगला पॉइंट लिखना आपका, है ना, मतलब पॉइंट, पहले इंटीरियर लिखा ना, लिखो वर्टेक्स का पोस्टीरियर भाग, वर्टेक्स का पोस्टीरियर भाग, वी आर टी एक्स, वर्टेक्स का पोस्टीरियर, ये लो सा पोस्टीरियर, मतलब क्या पोस्टीरियर, पीछे, वेरी गुड। तो वर्टेक्स का पोस्टीरियर भाग, पोस्टीरियर भाग लेमडा, एल ए एम बी डी ए, ये रहा, तो पोस्टीरियर भाग लेमडा, लेमडा एल एम बी डी ए, लेमडा। दूसरा नाम क्या है इसका, पोस्टीरियर फोंडाइले, क्या लिखना है इसके जगह, एंटीरियर की जगह आपको क्या करना है, पोस्टीरियर, ये नाम ऐड करना है और बस फोंडाइले हो गया, है ना, नाम दे दिया हमने स्पेशलिस्ट को। क्या लिखा, लेमडा तथा, लेमडा तथा, हाँ लेमडा तथा लेमडोइड सूचर से बना होता है। वर्टेक्स का पोस्टीरियर भाग लेमडा तथा लेमडोइड सूचर से, लेमडोइड सूचर से, लेमडोइड सूचर से बना होता है, लेमडोइड सूचर से बना होता है। सुनो वापस देखो इधर, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझेंगे हम, सुनो बच्चे, ये हमारा फिटल स्कल है, राइट, मैं अगला पोर्शन बताऊं तो मेरे सामने ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ओके, और तो ये इसका नाम बताओ मुझे पहले, हाँ साहब, ब्रेगमा बोलूं, एंटीरियर फोंडाइले बोलूं, बात सेम, चलो दूसरा बोलो साहब इसका, लेमडा या पोस्टीरियर फोंडाइले, कोई दिक्कत, मैं बोलूं कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं क्या, कोरोनल सूचर बोलोगे आप, क्या समझ में आया, सूचर का मतलब पता है क्या, दो बोन को जोड़ने वाली संरचना, हैव यू अंडरस्टैंड, चलो अगली बात, इसका नाम क्या, फ्रंटल सूचर, फ्रंटल मतलब सामने, अरे सही है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला मैं बोलूं साहब, इस सूचर का नाम लेमडोइड सूचर, कोई दिक्कत, अरे बोलो, अब मैं हड्डियों की बात करूं तो ये कौन से बोन है,
पेराइटल बोन है, और ये फ्रंटल बोन है, और कौन सी फ्रंटल बोन है, और ये ऑक्सीपुट बोल दो या ऑक्सीपिटल बोन बोल दो, क्या बोल दो, ऑक्सीपिटल बोन। हम जब डायमीटर की बात करेंगे तब बोन के बारे में जानेंगे। समझ में आया क्या? क्या आपको ब्रेगमा के बारे में पता चला? सॉरी मैं बोलूं, क्या आपको वर्टेक्स के बारे में पता चला? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो वेरी गुड, अगली लाइन में। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्टेक्स के लेटरल भाग में। अच्छा, लेटरल भाग कौन है? ये है क्या बेटा? ये लेटरल भाग में कौन है फिर? पेराइटल बोन। बोलो जोर से, पेराइटल बोन। क्या? पेराइटल बोन। तो लिखो, वर्टेक्स के लेटरल में, वर्टेक्स के लेटरल में, वर्टेक्स के लेटरल में, एल ए टी आर वाल आर एल, लेटरल मतलब साइड टू साइड, साइड टू साइड मतलब हिंदी में पास में नहीं, पार्सो। वेरी गुड, पार्सो, ठीक है, पार्सो। चलो अगली बात। तो लिखा आपने, क्या लिखा? वर्टेक्स के लेटरल में पेराइटल बोन, पेराइटल बोन, ये लिखा, पेराइटल बोन उपस्थित होती है, पेराइटल बोन उपस्थित होती है। सबने लिखा ईमानदारी से? चलो ओके। तो देख लो, हमने लिख लिया कि साहब ये पासिंग किधर की तरफ होती है? पेराइटल बोन से। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सबको समझ में आई? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला लिखना आप ब्रो। क्या लिखोगे? ब्रो, बिल्कुल ब्रो लिखना। चलो नेक्स्ट वन आप लिख लो, पेटल स्कल का अगला भाग का नाम क्या है? ब्रो, ठीक है। ओके, तो देखो हमने क्या बोला था, देखो फोटो बता दें आपको। ओके, ये भाग ब्रो है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या ये कौन सा भाग है? एंटीरियर फोंडाले। ये सूचर कौन सा है? कोरोनल सूचर। तो मैं बोलूंगा क्या कि ब्रो है जिसका एंटीरियर भाग, ये सामने का होगा ना? अरे होगा ना। तो ब्रो का एंटीरियर भाग है वो कोरोनल सूचर और एंटीरियर फोंडाले से बना हुआ है क्या? क्या ब्रो भाग कोरोनल सूचर और ब्रेगमा से बना हुआ है क्या? बात सेम ही बोल रहा हूं मैं एंटीरियर पोंडाले बोलूं या मैं ब्रेगमा बोलूं, बात तो सेम ही है ना दादा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वेरी गुड। अगली मैं बात बोलूंगी, इसका जो पोस्टीरियर होता है क्या होता है? पोस्टीरियर। तो मैं बोलूं रूट ऑफ नोज। क्या बोलूं? रूट ऑफ नोज है नाक की जड़। हाँ नहीं, ये नीचे हो गया ना बेटा, जो चीज सामने दिखती है। मैंने क्या बोला था बताओ? तेरा ये खोपड़ी आगे है कि नाक आगे? नहीं, नाक का ये हिस्सा आगे, बताओ, खोपड़ी आगे। हाँ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, वेजाइना में एक चीज बताई थी कि वेजाइना ऐसे होता है तो फिर क्या होता है, सुपीरियर इंफीरियर होता, बट मैं ऐसा कर दूं थोड़ा तो बताओ ये भाग आगे होगा क्या? तो जो भाग आगे होगा उसको क्या बोलेगा? एंटीरियर। तो यही बात है कि सर अब ये आपको ज्यादा गड्ढे में लग रहा है कि ये लग रहा है? अगर ये ऐसा होता, नाक ऐसा होता ना, तो फिर बोल देते इसका एंटीरियर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर। क्या मेरी बात समझ आई? क्या? तो ये भाग जो देख रहे हो वो पोस्टीरियर होगा और ये एंटीरियर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। जो पोर्शन हमें ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा, उभरा हुआ लगेगा, वो एंटीरियर होगा, जो दिखता है हमें। पहले इधर का खड्डा दिखता है ये दिखता है? पहले बताओ। अरे सबकी पहले हमें ललाटी दिखती है कि टीका लगाया कि नहीं लगाया, जो भी लगाया मतलब जो भी। अरे सही है, ठीक है भाई। तो इधर सुनो, तो मैं बोलूं इसका जो पोस्टीरियर भाग होगा उसको नाम देते हैं रूट ऑफ नोज। क्या देंगे? और रूट ऑफ नोज, और रूट ऑफ नोज का दूसरा नाम ग्लेबेला। क्या बोलते हो? तो अगर आपको ग्लेबेला पूछा जाए तो बता दोगे क्या? क्या बताओगे? हाँ, नाक की जड़ को अपन ग्लेबेला कहते हैं। समझ में आया? वापस सुनो कि ब्रो के अंदर क्या बोलते हैं कि ब्रो का एंटीरियर भाग है वो एंटीरियर फोंडाले या ब्रेगमा और कोरोनल सूचर से बना हुआ होता है। कोई दिक्कत? अगली बात बोलूं कि इसका जो पोस्टीरियर भाग होता है वो ग्लेबेला से बना हुआ होता है, या मैं बोलूं रूट ऑफ नोज। क्या बोलूं? रूट ऑफ नोज। नाक जानते हो कितने? ले सीता को ये पता नहीं क्या?
कितने नाग होते हैं? सेप्टम, बहुत ठीक। ओके बच्चों आगे देखो, तो लिखो आप, लिखो हेडिंग डालो, ब्रो डाला सबने, ब्रदर नहीं है ठीक है। ओके ये डब्लू है इधर, नहीं तो भाई से याद रख लेते हैं हम। लिखो ब्रो का एंटीरियर भाग, लिखो बेटा ब्रो का एंटीरियर भाग, एंटीरियर मतलब आगे साहब, कोई दिक्कत? एंटीरियर भाग ब्रेगमा लिखता हूं शॉर्ट में ना, ब्रेगमा और कोरोनल सूचर से बना होता है। Have you written everyone? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है हमारे लिए। ब्रो का एंटीरियर भाग ब्रेगमा और कोरोनल सूचर से बना हुआ होता है। जिसको समझ में नहीं आया, एंटीरियर फोंडाले और कोरोनल सूचर से बना हुआ होता है। रिटर्न एवरी वन, बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे। ओके ओके सुनो बच्चों, समझ में आया? अगली बार तो पोस्टीरियर भाग किससे बना होगा? हाँ हाँ, पोस्टीरियर भाग आप लिखो रूट ऑफ नोज, और यह लिख दो ग्लेबिला। क्या लिख लोगे? अरे सही है ना, ग्लेबिला याद रहेगा है क्या? याद रखना है ठीक है। चलो रूट ऑफ नोज नाम आए तो ही हमें यही करना है, और ग्लेबिला आ जाए तो यही करना है ना। आप एक नर्स हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने जा रहे हो, तो आपको छोटा छोटा नाम याद जरूरी है, सही है क्या भाई? हो सकता है कि एग्जामिनर आपका सोच कर ले और बोल दे साहब ये नहीं लिख दो, ग्लेबिला याद रही नहीं, तो रूट ऑफ नोज लिख देगा वो। अरे लिख देगा ना, तो आपको बता भी देना है। तो आपको पूछे कि ब्रो का पोस्टीरियर भाग कौन सी सरफेस से मिलकर बना होता है? वापस बोलो क्या? ले रहे भाई, ये लिखा है ना इधर, किधर है ये रूट ऑफ नॉज लिखा है इधर है ना, हाँ ग्लेबेला। अब तो सही है, तो देख लेना रे, इन इंग्लिश चलेगा। चल ओके सबने लिखा क्या? तो गेला याद रख लेना, या तो क्या रखना है ना, गेला ठीक है। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं। चलो तो ओके अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया? साइड में भी कुछ है क्या? है साहब, क्या है ये? तो नहीं है, इसके और इसके मध्य बोले तो ये पोर्शन है आई वाला, क्या है? तो आई जहां पर होती है वो कैविटी कौन सी होती है? ये प्रेनियल पूरी है बेटा, जहां पर आपकी आंखें हैं, आंखों को निकाल दें तो वो खड्डा कौन सा होगा बताओ रे? आंखें हैं ना, अरे बोलो, वो माइक चालू है सर, उधर आवाज आ रही है मेरी, उधर मैं तो जोर से बोल रहा। हेलो गुड मॉर्निंग, आ रही आवाज अब? ठीक है स्लोली बोलेंगे। अच्छा मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो अपनी आंखें होती है वो कौन सी कैविटी में है? नहीं पता? कोई बच्चा चॉकलेट मिलेगा बताएगा? अन्नपूर्णा, चलो फिर अब नहीं है। अब देखो उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल कैविटी। क्या बोलोगे? ऑर्बिटल कैविटी। नकल करने वाला चाहिए इधर, देखो ये नकल करनी पड़ी है। अरे सही है ना, तो देखो कि ऑर्बिटल कैविटी है कौन सी, ऑर्बिटल भी कौन सी, सुप्रा बताई इसने, क्या बोला है? सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी, यानी ऑर्बिटल कैविटी के ऊपर। अरे देख रहे हो ना ये ऊपर है, यहाँ होता तो फिर अलग बोलते, सुप्रा मतलब उप, तो इसका मतलब ये पोर्शन बोल रहा है क्या? अरे समझ में आया ना, तो हाँ जी आगे सबके, तो इसका मतलब लिखो ब्रो के लेटरल भाग बी आर ओ डब्ल्यू का लेटरली भाग, पार्सो भाग, लेटरली बेटा है, लेटरली भाग, पार्सो भाग, सुप्रा ऑर्बिटल, ये आ गया। ये नाम लिखना बेटा आपको, सुप्रा ऑर्बिटल किनारे से
रिजिड का मतलब होता है किनारा, क्या होता है किनारा, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल किनारे से बना होता है, किनारे से बना होता है, सुप्रा ऑर्बिटल किनारे से बना होता है, सुप्रा ऑर्बिटल किनारे से बना होता है, किनारे से बना होता है, ठीक है। चलो इधर सुनो, क्या लिख लिया सबने? तो एंटीरियर बार्ट ब्रोक इसको कौन बनाएगा? एंटीरियर फोंडल ले ब्रेगमा या कोरोनल सुचर। पोस्टीरियर बार्ट कौन बनाएगा? रूट ऑफ नोज या ग्लेबेला। साइड का बार्ट कौन बनाएगा? सुप्रा ऑर्बिटल रिजिड बोलते हैं, रिजिड का मतलब होता है किनारा, क्या बोला? किनारा, याद रख लोगे। एंटीरियर पोस्टीरियर जरूरी है, समझ में आया? चलो अगला लिखना बच्चों, अगला लिखना फेस, क्या लिखोगे? फेस। चलो सब लिखो फेस, एवरीवन पुट डाउन हेडिंग, इट्स फेस। ओके, क्या लिखा क्या? अरे लिखा क्या? तो देखो मैंने क्या बोला था फेस के बारे में बताया, तो देखो फेस यहां से लेकर यहां तक है, समझ में आया क्या? ये पोर्शन देख रहे हो, ये फेस है, तो इसका मतलब मैंने बताया मेंडिबल, तो इसका मैं बोलूंगा मेंटम, क्या बोलूंगा? मेंटम। और ये ग्लेबेला, तो एंटीरियर बार कौन सा? अब ग्लेबेला, और ये मेंटम, समझ में आया क्या? और लेटरली सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी बोल दो आप, क्या बोल दो? सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी, मैक्सिला वगैरह वाले बोल सकते हो, समझ में आया क्या? लिखो सुनो, हाँ लिखो, फेस, फेस का एंटीरियर भाग, फेस का एंटीरियर भाग ग्लेबेला, या आपको क्या लिखना है? रूट ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज से बना होता है, से बना होता है, बना होता है। और पोस्टीरियर भाग, हाँ, और पोस्टीरियर भाग मेंटम, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, सुपीरियर बोल सकते हो, कोई ना, चेहरा थोड़ा अभी नहीं बोल सकते, सुपीरियर होगा वैसे, सही बोले तो, बट ये नाक बीच में आ गया ना इसलिए बोल दिया होगा सर। एंटीरियर लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा आपने? पोस्टीरियर मेंटम। और यह आप क्या लिखोगे? फ्लोर ऑफ माउथ, क्या लिखोगे? फ्लोर ऑफ माउथ। सुनो बातों को, देखो लिखो, पहले लिख लो वापस देखते हैं इसको, फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। चलो क्या सुनाई दे रही है आवाज एवरीवन? पीछे लास्ट, ओके चलो, ओके सो सुनो बच्चे, तो पोस्टीरियर भाग कौन बनाएगा? मेंटम, या ब्रैकेट में आपको देगा फ्लोर ऑफ माउथ देगा, तो क्या ये माउथ का फ्लोर है क्या? अरे बोलो, तो माउथ की रूप का निर्माण कौन करता है? माउथ की, माउथ के रूप का निर्माण कौन करता है? रूप मतलब छत, माउथ के छत में कौन है? कौन है? हाँ तलवा, कौन है? तलवा, और तलवा मतलब कि पैलेट बोलते हो उसको, क्या बोलते हो? पैलेट। कौन सा पैलेट होता है? दो पैलेट होता है क्या? पैलेट कितने होते हैं? एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ऊपर आप तलवे के एंटीरियर में लगाओगे तो वो आपको हार्ड लगेगा, और थोड़ी अंगुली पीछे डालोगे तो वो सॉफ्ट लगेगा, तो क्या हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट हो गया? तो मैं बोलूं माउथ के छत का निर्माण कौन करेगा? तलवा करेगा। कौन करेगा? तलवा। सब में को समझ में आया? आया बच्चों को? चलो सुनो, इधर देखो बच्चों, वापस देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फेस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इसका मतलब जो बेस होगा वो कौन होगा, मेंटम, क्या होगा, मेंटम, या मैं बोलूं फ्लोर ऑफ माउथ, यानी माउथ का फर्श बना रहा है कि ये, अरे बोलो बोलो बोलो, अगली मैं बात बोलूं साहब इधर कि ये रूट ऑफ नोज, क्या बोलूं, रोड, या मैं बोलूं ग्लेबेला, क्या बोलूं, ग्लेबेला, तो इसका मतलब एंटीरियर ये और पोस्टीरियर, क्या समझ में आया क्या, अरे बोलो, लिखो इसके लेटरल में, लिखो इसके लेटरल में, लेटरल में, लेटरल में सब ऑर्बिटल रिजिड्स किनारे उपस्थित होते हैं। अब ये मोटा मोटा पूरी बात कर रहा साहब, ठीक है, सब ऑर्बिटल रिजिड्स यानी किनारा उपस्थित होता है, सब ऑर्बिटल का मतलब आंखों का कैविटी की बात, ओके, चलो मेंटम, मेंटम और बेस तो अलग होगा ना, हाँ मतलब इधर मैं बोल रहा हूँ कि साहब ये सरफेस, मैं जब डायमीटर की बात करूंगा ना तब मेंटम में अलग बताऊंगा आपको, समझ आया, ठीक नहीं है, अब सुपरफिशियल बोले तो इतना एडवांस नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है, मैं हाँ से ही बोल सकते हो, अलग नहीं कर सकते, बट डायमीटर में बोलूंगा ना तो मैं मेंटम सर्वे से लूंगा, समझ आया, ओके चलो। तो इसका मतलब आपने कौन कौन से भाग पढ़ लिए, आपने क्या पढ़ा, ब्रो पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, वर्टेक्स, आपने क्या पढ़ा, फेस, समझ में आया तीनों, सबको समझ में आया, चलो कौन बताएगा, पीछे वाला बच्चा जो उबासी ले रहा है बताओ, चाय पी के आए हो, चाय पीते हो क्या आप, अरे दिख रहा है, चाय पीते हो, लाए मनीष जी चाय लगाओ, मंगा देते, जाओ चाय लगाओ, चलो आगे अपन बात करते हैं, सिंसिपुट हो गया, चलो अगला लिखना ऑक्सीपुट भाग, आप लिखो क्या लिखोगे, ऑक्सीपुट लिखो, लिखो लिखो लिखो, अगला लिखो ऑक्सीपुट, मैं लिख देता हूं, ऑक्सीपुट लिखो, मतलब कि ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये पूरा पोर्शन है, ये इधर बोल रहा है पूरा, भी तुम ये मैग्जिला बता, बट ये प्रोमिनेंट भाग है ना, ये काउंट नहीं होते, जो अंदर की संरचना है वो काउंट हो रही है, समझ आई, इधर देखो जो आप फेस के अंदर देख रहे हो तो ये ग्लेबुला है और ये मेंटम है, समझ आया क्या, बट मैं बोलूँ कि ये अंदर वाले जैसे ये सरसन दिख रही है तो ये इसको प्रोमिनेंट नहीं भाग बोल दिया कि साहब ये भाग भी शामिल है दोनों लेटरल में, क्या समझ में आया क्या, अब बोलने को तो अपन मैग्जिला वगैरह भी बोन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया क्या, बट कम से कम लिखेंगे ताकि याद अच्छा रहे आपको, ठीक है, चलो ये मैंडिबल, ये मैंडिबल का छोटा सा नाम, आगे का पोर्शन मेंटम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये पूरी जो हड्डी है इसको मैंडिबल बोलते हैं, और बट हम पूरी मैंडिबल नहीं चाहिए, बिकॉज हमने फेस पहले देखो, हमने यहाँ पर भी डिसाइड कर लिया कि साहब ये पूरा मैंडिबल देख रहे हो, अरे देख रहे हो ना, ये मैंडिबल है तो यहाँ पे काउंट नहीं हो रही, क्योंकि हमें खाली बेस से मतलब है इधर, क्या समझ में आया, खाली डायमीटर की बात करेंगे ना तब इसको मेंटम डील किया हमने फेस, क्या समझ में आया, थोड़ा सा कौन सी, पैरोटिड, ओके पैरोटिड में भी तीन भाग होते हैं, कितने भाग, तीन, कौन कौन से, एक तो पैरोटिड और मैंडिबुलर, एक सब मैंडिबुलर, अरे सही है ना, याद रखना, ओके अगला लिखो, ओके हेडिंग क्या डाला था, ऑक्सीपुट, लिखो लिखो, इसमें सीधे लिखना है, यह है, यह है पिटल स्कल के पोस्टीरियर भाग को बनाता है, यह है पिटल स्कल के, पिटल स्कल के, देखो इधर लिखो, ये है पिटल स्कल के पोस्टीरियर भाग को बनाता है, बनाता है, बनाता है, जो कि लिखो, जो कि, जो कि, जो कि
लैम्बडॉइड सुचर, जो कि लैम्बडॉइड सुचर, हाँ पोस्टीरियर भाग को बनाता है, जो कि लैम्बडॉइड सुचर तथा लैम्बडा से बना होता है। लैम्बडॉइड सुचर तथा लैम्बडा से बना होता है। लैम्बडा का दूसरा नाम कौन सा? पोस्टीरियर कॉन्डाइल। सबको याद हुआ? चलो चलो, रिटर्न एवरीवन। अगला हेडिंग डालो सुचर। सुचर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सुचर का मतलब क्या बताया सबको? दो बोन को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? सुचर। और ये एक प्रकार का फाइब्रस जॉइंट होता है। कैसा होता है? फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि बोन जुड़ती है तो हिलती थोड़ी है। ये अपनी बोन जुड़ी है तो हिलती है क्या? खोपड़ी हिल रही है किसकी? नहीं हिल रही है ना। इसका मतलब कि फाइब्रस जॉइंट है। वो क्या है? फाइब्रस जॉइंट में कभी भी मूवमेंट नहीं होता है, अगर गैप है तो हो सकता है। समझ में आया? तो क्या हमारा जो पिटल स्कल है, सॉरी अपना जो स्कल है, क्या वो मॉड्यूलिंग होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है? नहीं होता है, बच्चों का होता है। किसका होता है? बच्चों का। क्यों होता है? क्योंकि फोंटाले उपस्थित होते हैं। खड्डा जानते हो? एक इधर ऐसे हाथ रख के देखें, जोर देना होता है क्या? दबाव देना होता है क्या? नहीं देना होता है, नहीं बच्चे में नुकसान आ जाएगा, क्योंकि वो सीधा ही नीचे कौन है? ब्रेन है। कौन है? ब्रेन है। ओके, आफ्टर समय पश्चात आप जोर दे सकते हो, यानी वहां पर कुछ भी नहीं होएगा। समझ में आया क्या? और मैं बोलूं कि इन फोंटाले के द्वारा अपन बहुत कुछ चीजें बच्चों में जान सकते हैं। समझ में आया क्या? पढ़ाएंगे जरा बरसर पढ़ाएंगे आगे साहब, पिटस के अंदर या इनफेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर के दौरान क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, मेकवेन साइन वगैरह सुनोगे आप। इंट्राक्रेनियल प्रेशर नाम सुना है? हमारा जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, और इसके अंदर अगर कोई मैं बोलूं कि प्रेशर बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? प्रेशर बढ़ जाए तो इसको अपन बोलते हैं ICP। क्या बोलते हैं? ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। समझ में आया? पढ़ोगे आप, डोंट वरी। लिखो स्प्लिंग, लिखो इसमें आज सुस्वरलम लिखा, लिखो दो बोन को जोड़ने वाली संरचना, दो बोन को जोड़ने वाली संरचना, या आप क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। ओके, सुचर कहलाती है। दो बोन को जोड़ने वाली संरचना सुचर कहलाती है। लिखा? अब देखो, सुनो, पहला लिखना बेटा फ्रंटल सुचर। क्या लिखोगे? फ्रंटल सुचर। ओके, तो मैं ऐसा बोलूं कि फ्रंटल सुचर है वो कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो फ्रंटल बोन से। किसे? फ्रंटल बोन और एंटीरियर कॉन्डाइल। देखो, हमें इसके बारे में बात करनी है, तो इसका मतलब ये जो पूरी पोर्शन देख रहे हो, क्या यहां से लेकर ये पूरी बोन फ्रंटल बोन है क्या? बोलो बोलो बच्चों, ये फ्रंटल बोन, और ये पोर्शन देख रहे हो ये कौन है? एंटीरियर फोंटाले या ब्रेगमा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं साहब कि ये जो फ्रंटल सुचर है वो दो प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, फ्रंटल बोन ब्रेगमा से। कोई दिक्कत? ये आप नहीं भी लिखो ना तो भी चलेगा, बिकॉज हमें खाली इसकी इस लाइन के बारे में जाननी है। किसके बारे में? इस लाइन के बारे में जानना है हमें। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? सुनो, हमें इस सरफेस के बारे में जानना है, इसके बारे में। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है, क्या ये बोन बना रही है क्या? और इस बोन का नाम कौन सा है? फ्रंटल बोन। और जहां पर फ्रंटल बोन पर जो सुचर होता है उसका नाम क्या? फ्रंटल सुचर। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो फिर, दिक्कत नहीं है तो लिखो 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 लिखो।
सोच लिखो, यह फ्रंटल बोन्स हैं, ये फ्रंटल बोन्स से जुड़ा होता है। एवरीवन शॉर्ट एंड स्वीट, यह फ्रंटल बोन्स से जुड़ा होता है। क्या लिख ला सबने? सबने लिखा। चलो अगली लाइन में अगला लिखो, दो नंबर लिखो, कोरोनल सूचर। क्या लिखना? कोरोनल सूचर। चलो सब लिखो फिर बात करते हैं। लिख लिया सबने? वापस देखो, इधर देखो कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, अब ये कौन है? कोरोनल सूचर है। क्या समझ आया बच्चों को? बोलो बच्चों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। तो बताओ इसमें कौन कौन सी बोन शामिल है? इसका नाम पेराइटल बोन और इसका फ्रंटल बोन। तो मैं बोल दूं कि साहब पेराइटल बोन तथा फ्रंटल बोन से बनता है। क्या सही है? क्या बोन यानी हड्डी? बोलो यस और नो। यस बोलो। लिखो लिखो, यह है सूचर। सूचर मतलब समझ में आया सबको? आना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट ये सब के। यह है पेराइटल बोन तथा पेराइटल बोन तथा फ्रंटल बोन से बनता है। Have written everyone? सबने लिखा क्या? कोई दिक्कत नहीं है? सीमा सुना रहे? पक्का रहे? चलो ओके। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, ये संरचना देख रहे हो, तो देखो बेटा ये फ्रंटल बोन है क्या? क्या ये पेराइटल बोन है क्या? तो बताओ इसकी संरचना कौन होगी? कोरोनल सूचर। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अगला लिखना बेटा, अगला लिख लो सूचर का नाम, नंबर तीन। क्या लिख दूं? सजाइटल सूचर। क्या लिख दूं? चलो सजाइटल सूचर। सब बच्चों के कहने पर लिख दिया मैंने। तो मुझे कोई बताएगा कि आपने एक नाम सुना होगा सजाइटल प्लान। क्या नाम सुना होगा? सजाइटल प्लान। बताओ सजाइटल प्लान क्या है? पेन नहीं करना बच्चों, वॉट इज सजाइटल प्लान? क्या मैंने बताया? नहीं बताया मैंने, भूल गए? कौन बताएगा? बताओ पीछे बच्चा, वो बस नहीं आ रही है। मैं चाय मंगवा सकते हैं मेरे बच्चों के लिए, मैं चाय नाश्ता सब अवेलेबल है इधर, है ना? वो जोड़ लेंगे अपन बाद में। चलो सुनो मेरी बात, देखो। अच्छा पहले मैं प्लान के बारे में बता दूं कि देखो कि मेरी बॉडी को अगर मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं, कैसे? लॉन्गिट्यूडनली। क्या मेरी बात सुनाई? क्या इस नाक को इधर, इस मतलब इस आंख को इधर, इस आंख को इधर, पूरा बॉडी को इधर लेफ्ट राइट में कर दूं, कौन सा? सजाइटल प्लान। समझ में आया? मेरी बॉडी को मैं अप एंड डाउन भाग में, इधर आधी ऊपर आधी नीचे, वो कौन सा? ट्रांसवर्स। कौन सा? ट्रांसवर्स। इधर कान से लेकर इधर ले लूं तो ओब्लिक। कोई दिक्कत नहीं है ना? हिंदी में नहीं पता मुझे प्लान का मतलब, सरफेस सतह से, ठीक है? प्लान का मतलब सरफेस सतह, भाग से कट करना। इतनी अनपढ़ है तुम, समझना, देख ले, देख के आ जाना। समझ में आया क्या? ये प्लान लिखा है मैंने, मैंने बोला भी था कि साहब प्लान का मतलब तुम बता रहे थे साहब वो प्लानिंग, वो बढ़िया प्लानिंग नहीं, मैंने बोला था साहब ये, याद करो बातों को, पुरानी बातों को। हाँ इसका अर्थ मैं बोल रहा हूँ ना कि सेक्शन कटिंग होता है, हाँ डिवाइड करना लोग, ये इंग्लिश वाला और है ना, सेक्शन कटिंग बोल दो इसको। क्या बोल दो? ओके अब हिंदी तुम देख सकते हो ना, इतने होशियार तुम हो सकते हो, मुझे तो समझ में आ गया प्लान का मतलब कटिंग करना, सही है ना? सबको हिंदी आती है?
गूगल सबके पास है तो ठीक है। अब सुनो अगली इंपॉर्टेंट बात, चलो तो इसका मतलब मैं सजाइटल। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात पूछूं, मैंने एक और बोला था कि इधर मेरी आंख को अलग किया तो आंख को मैंने और दो भागों में अलग किया, तो इस भाग को तो मैंने अलग कर दिया दो भागों में, इस भाग को मैं और डबल भाग में अलग करना है? नहीं 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 नहीं, फेंक रहे हो बेटा, एनीबॉडी क्या बोल रहा हूं? पेड़ नीचे करो, बोलो बोलो बोलो, अपने आराम को सोचो, सोचना नहीं आराम को दूर करो, देन यू कैन। पेरा सजाइटल, क्या बोला था? पेरा सजाइटल, टिप मार रहे तुम, पेरा सजाइटल, सही बात है ना? चलो बहुत होशियार बच्चे हैं मित्रों। चलो इधर देखो, हाँ छोटे बच्चे इधर देखो, आप ये देख रहे हो, ये सूचर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये लाइन देख रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेराइटल इनिमेंस और पेराइटल सूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेराइटल सूचर। ओके इनिमेंस का मतलब ये होता है कि जुड़ना, मतलब कि एक जगह का सरफेस, समझ में आया क्या? लिखो सजाइटल सूचर दो पेराइटल बोन के जुड़ने से बनता है, जस्ट सिंपली ओनली सजाइटल सूचर दो पेराइटल बोन के जुड़ने से बनता है, दो पेराइटल बोन के जुड़ने से बनता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे बोलो बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो पेराइटल बोन है एक, ये दूसरी, और दोनों एक स्ट्रक्चर बना रही है, उसको क्या बोलेगा? पेराइटल सजाइटल सूचर। हैव यू अंडरस्टैंड? चलो अगली लाइन में लिखना बेटा, लास्ट वन। ओके कौन सा था? हाँ ठीक है, लेमडोइड सूचर लिख लो, लिख लिया क्या? लिखो लेमडोइड सूचर। अगला लिखना नंबर फोर, लैम्बडोइड सूचर। अगला लिखो लैम्बडोइड सूचर। तो लैम्बडोइड सूचर किन किन से मिलकर बना होता है? ऑक्सीपिटल बोन से। किससे? ऑक्सीपिटल बोन से। अरे किससे? सुनो देखो समझो, क्या ये पोर्शन देख रहे हो? अरे देखो क्या ये पोर्शन देख रहे हो क्या? और इस पोर्शन का नाम क्या? लैम्बडोइड सूचर। क्या नाम है? लैम्बडोइड। तो क्या ऑक्सीपिटल बोन और इसके अंदर मैं शामिल करूं तो मैं चाहूं तो इसके अंदर मैं फ्रंटल बोन और पेराइटल लिख सकता था। अरे सही है ना, बट मोटा मोटा तौर पे हमें समझना है कि ऑक्सीपिट बोन और पेराइटल बोन के मध्य होता है। क्या समझ में आया क्या? अगर मैं ऐसा भी बोलता, पेराइटल सूचर में भी बोलता कि दो पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन से बना हुआ होता है, तो भी तो गलत नहीं है ना। क्या समझ में आया क्या? ये डायग्राम आपको आना चाहिए, सौ बातों की एक बात। सुनो वापस सुनो, चलो मैं थोड़ा डीप में बताऊं, चलो आप टेंशन मत लेना ना। सुनो बच्चों देखो, वापस मैं पहला लिखा था फ्रंटल सूचर। क्या लिखा था? फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर ये है, समझ में आया? तो इधर मैंने आपको दो बातें बोली कि फ्रंटल बोन तथा एंटीरियर फ्रंटालिया से बना हुआ होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। फिर मैंने बोला था कोरोनल सूचर। क्या बोला था? कोरोनल सूचर। मैंने बोला इसके बारे में क्या कि फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के मध्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर, ये तीसरा नंबर कौन है? सजाइटल सूचर। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात कि सजाइटल सूचर दो पेराइटल बोन तथा
बोन तथा फ्रंटल तथा ऑक्सीपिटल बोन से बना हुआ होता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो क्या ये पोर्शन भी तो शामिल है उसमें, ये पोर्शन भी शामिल है। क्या चतुष्फलकीय बोला था हमने जब हमने इसके बारे में बात की? किसके बारे में? वर्टेक्स के बारे में बात किया। तो बताओ ये पूरा पोर्शन वर्टेक्स ही तो है, अरे है कि नहीं है? तो मैं मोटा तौर पे तो बोलूं पैराइटल बोन, बट मैं बोलूं साथ में फ्रंटल बोन भी होती है, ऑक्सीपिटल बोन भी होती है, साथ में है तो सही ना। बट मोटा मोटा आपको यही पूछेगा, समझ में आया? छोटी बातें समझना है, अच्छी बातें समझना है। अगला, अच्छा लिख लिया किसमें? क्या लिखा इसमें आपने? हाँ लिखो, आप लिखो क्या? लिखो सबने लिखा, ओके। तो क्या लिखा आपने? ये है ऑक्सीपिटल बोन तथा ये है ऑक्सीपिटल बोन तथा ये ऑक्सीपिटल बोन तथा टू पैराइटल बोन के द्वारा बना होता है। ऑक्सीपिटल बोन तथा दो, क्या पैराइटल बोन कितनी होती है? दो होती है। तो टू पैराइटल बोन से बना होता है। देख लो, वापस रिव्यू कर लेते हैं एक बार, सुनो समझो। इधर देखो, देखो वापस देखो बेटा, ये पेराइटल बोन तथा ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बना होता है। अब दो लिख दिया क्योंकि पेराइटल बोन दो है, और नहीं भी लिखते तो हमें पता है कि दो है। क्या समझ में आया? अरे बोलो ये सुनो, वापस सुनो। फ्रंटल एक है, एक है, पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, बिल्कुल। कितनी हुई? आठ हुई ना? अरे हो गई ना, एक मेस्टॉइड होती है, दो मेस्टॉइड होती है, ये बोन भी शामिल है, मेस्टॉइड आठ है पूरी। ठीक, अब सुनो मेरी बात, वापस देखो। अपन देखो एक और नाम लिख लेना आपने सबसे पहले। अच्छा सबसे पहले कौन सा लिखा? नहीं फ्रंटल लिखा ना, देखो तो फ्रंटल सूचर लाई बिटवीन टू फ्रंटल बोन। पहली सही बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि साहब फ्रंटल सूचर है वो फ्रंटल बोन से बना हुआ होता है, पहला समझ में आया क्या? दूसरा कौन सा लिखा था? कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर रन बिटवीन पेराइटल एंड फ्रंटल बोन आइदर साइड, कॉल्ड कॉपी। अब मेरी बात सुनो कि ये मेरा फ्रंटल बोन है, तो यहां पर कौन है? कोरोनल सूचर। तो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन दोनों ही तो आ रही है, चाहे तो बता सकते हैं, बट फ्रंटल बोन मोर इंपॉर्टेंट। क्या समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो बताओ कोरोनल सूचर है वो किसके किसके मध्य होता है? फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन। कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो लिख ले, कोई चीज कंफ्यूज नहीं होने का। अगला तीन नंबर क्या पढ़ा था? सजाइटल। देखो सजाइटल को अपन दूसरा नाम लिख लेना, लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं, लिख लो, काम आएगा बेटा बुरे वक्त में, बुरे वक्त में काम आएगा कि सजाइटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं। दिख रहा है क्या कि बड़ा लिखूं? लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं, सजाइटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं। लिखा? अब देखो बेटा इसमें जो हमने बात बोली थी वो इसने मोटी बात लिखी। इसमें क्या लिखा है कि दो पेराइटल बोन के मध्य कौन होता है? सजाइटल सूचर होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अगली लाइन। अगला नंबर क्या लिखा था? लैम्ब्रॉइड सूचर लिखा था। क्या लिखा था? लैम्ब्रॉइड सूचर में हमने सीधा सीधा लिखा ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन के मध्य होता है, यानी दो पेराइटल बोन के मध्य होता है। सूचर समझ में आया सबको? ईमानदारी समझ आया? पक्का आ गया? पीछे अनपूर्णा खड़ा हो, हैं? आए नहीं, कब आएगा? कोशिश कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा अब थोड़ा पता रहे? वाह ग्रेट है हम, कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको। ठीक है कोशिश करो, आगे आगे बैठ जाओ ब्रदर, पीछे सुनाई नहीं दे रहा है तो आगे आगे बैठ जाएगा। क्या समझ आ रही है? ओके अगली बात सुनो, अगले वाले बच्चे को समझ आया क्या? उर्मिला आया? खड़ा हो, अ
पैरेंटल सुचर है वो कौन सी संरचना से मिलकर बनता है? फोटो बताओ, देख के बता दो। फ्रंटल सुचर कौन सी संरचना से मिलकर बना होता है? कोशिश करो, ईमानदारी से आएगा अगर समझाए तो। हैं? मैंडिबल, जोर से बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए। कोई हेल्प कर दो भाई, कोई बोल रहा है तो। बैठ पूजा, पूजा बताएगी। सजाइटल सुचर का दूसरा नाम? कोशिश करो, नकल कर लो चाहो तो। लॉन्गिट्यूडिनल, या आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडिनल हिंदी पता भी नहीं, मैं लंबवत बोल रहा। हाँ, हिंदी में क्या होता है? हाँ? उर्ध्वाधर बोलो या लंबा लंबा है, इसलिए इसको लंबवत बोल दो। क्या बोल दो? हिंदी में सच करना पूजा, घर पे जाकर ना और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब समझाना और कल मुझे बताना आप, ठीक है? मुझे भी हिंदी बताना। अगला बच्चा, तो बताओ कि दो पेराइटल बोन जुड़कर कौन सा सुचर बनाती है? बेटा इधर देखो, नकल कर लो, इधर देखो, नकल करने के लिए हमारे